तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में है, गुणनखंड कीजिए। तो पहला भाग में देखते हैं, लिखा है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy -24yz - 16xz, ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए ये वाला लगाएंगे हम, x+y+z का होल स्क्वायर बराबर x²y²z²+2xy+2yz+2zx, ठीक ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, x²y²z² तो हम इसको x² और y² और z² के रूप में बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले x का स्क्वायर मतलब 4x² को लिख सकते हैं हम 2x² होल स्क्वायर, ठीक ना, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और x का x² हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का लिख सकते हैं 3y² + 16 का लिख सकते हैं 4z² होल स्क्वायर, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको x, y और z प्राप्त हो गया, ठीक ना। x इसमें क्या है, 2x y 3y और z 4z हो गया, ठीक ना। अब इसमें हमको x y z का सबका मान रखना है, तो हम यहाँ से देख देख कर इसका मान रख दिया करेंगे। तो देखिए लिखा है इसमें 2, तो 2 सूत्र में है इसलिए हमने 2 लिख लिया। फिर x का मान, ये देखिए 2x लिखा हुआ है, तो 2x गुणे ये y, y क्या है 3y प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले फॉर्मूले पर मान रख लिया जाता है। तो देखिए 2 लिखा है, 2 y का मान कितना है 3y गुणे और z का मान कितना है 4z, ठीक ना। फिर इसमें देखिए लिखा है 2zx, तो लिखते हैं प्लस 2 और z का मान कितना है 4z और x का मान 2x। तो ये हमने पहले फॉर्मूले में मान रख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमको 2 जो है माइनस दिख रहा है, ठीक ना। तो इन दोनों पदों में, इसमें और इसमें, देखिए कौन सा चर उभयनिष्ठ है, मतलब कौन सा, देखिए जैसे यहाँ जेड है तो यहाँ भी जेड है, ठीक ना। इस प्रकार जेड उभयनिष्ठ चर है, इन दोनों पदों में, दोनों में है ये जेड जेड, इसका मतलब ये माइनस इस जेड के कारण आ रहा है। तो जेड वाला पद जो है उसको हम माइनस में लगा लेंगे, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया, तो माइनस इसको ऐसे ही लगाते हैं, ठीक ना। तो ये माइनस हो गया। अब जहाँ भी इसमें जेड वाला पद आया है वहाँ पे हम ये माइनस लगा लेंगे। देखिए माइनस है तो यहाँ पे -4z लिख लिया, यह माइनस है तो -4z लिख लिया, ठीक ना। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 यानी 12xy, देखिए 12xy आ गया। फिर 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, -24yz, -24yz प्राप्त हो गया। फिर इसमें देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और माइनस में तो -16 और zx, तो ये रहा एक्स जेड या जेड एक्स। तो इस प्रकार इसको हम इस वाले पद में व्यक्त कर सकते हैं। अब चूंकि हमने देखिए इस पद में व्यक्त कर दिया, ठीक ना, तो इसके स्थान पर हम ये अब लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, x+y+z का होल स्क्वायर, तो हम इसमें तीनों पद को लिख कर उसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो लिखते हैं ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड, जेड लिख लिया, इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखिए होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक ना, जब आप इसको होल ओपन करेंगे तो ये आएगा और इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस है, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x+3y - 4z का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब होल स्क्वायर मतलब इसका कि इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, तो ये हमने 2 बार इसको लिख लिया, एक बार ये, एक बार फिर इसको लिख लेते हैं।
तो ये इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसी तरह प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग भी देख लेते हैं। तो दूसरे भाग में है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz, ठीक ना। तो फॉर्मूला होता है x + y + z² = x²y²+z²+2xy + 2yz + 2zx, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसी पर हम बैठाएंगे। तो सबसे पहले हमको x²y² और z² चाहिए। तो इसके लिए देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हम 2 का स्क्वायर नहीं बना सकते, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, करनी 2x² का होल स्क्वायर, ठीक ना। जब करनी 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब करनी 2 का स्क्वायर मतलब 2 होता है, और x का स्क्वायर मतलब x², तो इस वाले इसको अगर हम हल करेंगे तो ये पद प्राप्त हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं y² ऐसे सिंपल लिख सकते हैं। इस 8 को लिख सकते हैं 2 करनी 2z² ठीक ना। देखिए, इसको हम ओपन करके यहां बता देते हैं। लिखा है देखिए 2√2x² ठीक ना। इसका मतलब होता है 2 का वर्ग 4, करनी 2 का वर्ग 2 और x² इस प्रकार ये 8x² आ जाता है, ठीक ना। तो इसको इस वाले को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमको x, y और z का मान प्राप्त हो गया। अब आगे इन पर मान रखेंगे। तो अब देखिए, इसमें हमको 2 जो है माइनस प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो अब इन दोनों पदों में देखिए कि क्या कौन सा चर उभयनिष्ठ है। तो इसमें केवल देखिए x और x इन दोनों में है, इसका मतलब इसमें माइनस x के कारण आ रहा है। तो हम इस x वाले को माइनस में लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया माइनस में, ठीक ना। अब हम जो भी मान रखेंगे x का, तो -√2x रखेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं 2x कितना है, -√2x और y कितना है, y का y ही है। इसी प्रकार 2 × y × z कितना है, 2 करनी 2xz है यहाँ पर, प्लस 2 और z का मान z√2z × x, तो x कितना है, -√2x² ठीक ना, -√2 ये लिख लिया हमने, ठीक ना। जब आप इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, हमने इस रूप में लिख लिया सबको, तो ये हमने इस रूप में लिख लिया, तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे -√2x + y + 2√2z² तो ये हो गया होल स्क्वायर लिख लिया। अब इसको हम दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि घात 2 लगा है, तो -√2x + y + 2√2z और अगले ब्रैकेट में -√2x + y + 2√2z, तो इस प्रकार गुणनखंड प्राप्त हो गया और प्रश्न नंबर 5 हल हो गया। प्रश्न नंबर अब 6 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 में है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो घन दिया हुआ है, तो प्रश्न नंबर 6 का पहला, इसमें लिखा है 2x + 1 के घात 3, ठीक ना। इसको घन बोलते हैं। तो इसके लिए सूत्र है, उसको भी लिख लेते हैं। तो इसमें सूत्र होता है x + y³ = x³+y³+3xy और ब्रैकेट में x + y, ये होता है। तो हमको देखे x का मान जहाँ भी देखें, हम यहाँ पर ये 2x, ये x है, और ये y का मान ये रहा, ठीक ना। तो y का मान हम 1 रख लेंगे और x का मान 2x रखेंगे।
तो देखिए रखते हैं इसमें, तो ये है यक्स, यक्स का मतलब 2x, 2x का क्यूब प्लस y का मान 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस 3 गुणे x का मान कितना है 2x गुणे y का मान कितना है 1, और x प्लस y ये लिखा हुआ है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार 2 दुनी 4, 4 दुनी 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 और x के घात 3 लिखेंगे, प्लस 1 को जितनी बार भी घात लगाइए 1 ही प्राप्त होता है, तो 1 लिख लिया। अब देखिए 3 दुनी 6, 6 एक कम 6, और कोष्टक में ये इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अब अगली बार कोष्टक को खोल देंगे, लिखें 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, जब इसका बड़ा इसमें करिए और इसका उड़ा इसमें करिए तब ब्रैकेट खुलता है। तो इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 6 दुनी 12 और यक्स और यक्स, दो बार यक्स हो गया तो यक्स की घात 2 हो गया, प्लस 6x एक कम 6x, तो ये लिख लिया। अब देखिए इसमें घात को घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ी घात ये है तो इसको पहले लिख लेंगे, फिर इसको लिख लेंगे, फिर 6x लिखेंगे और फिर लास्ट में ये 1 लिखेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका हल हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं, इसका दूसरे भाग में है 2a-3b, 2a-3b का होल क्यूब। तो इसमें माइनस वाला सूत्र है, माइनस वाला सूत्र लगा लेते हैं, तो माइनस वाला सूत्र है x-y का होल क्यूब बराबर x³-y³-3xy और ब्रैकेट में x-y। देखिए ये सेम फॉर्मूला वही सीधा, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस में लिखा हुआ है बस। अब इसमें मान रख लेते हैं, देखिए यहाँ है x बराबर देखिए 2a है, ठीक ना, x का मान ये 2a और y का मान कितना है 3b, ठीक ना। तो इसी को यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए x का क्यूब है मतलब 2a का क्यूब है माइनस y का क्यूब मतलब 3b का क्यूब माइनस 3x का मान 2a और y का मान 3b और ब्रैकेट में सेम चीज़ 2a-3b, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए 2 की घात 3 का मतलब अभी ऊपर है, जैसे हमने 2 की घात 3 का 8 किया था, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, और a की घात 3 माइनस 3 की घात 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना, ये हो गया, तो हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो ये आया 27b³। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, ए बी ऐसे, फिर 8a³-27b³-, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 18 दूनी 36, a² बी, फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे तो 18 54, 2 माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा 54 ए और बी, दो बार हो गया देखिए बी और बी, बी स्क्वायर, ये एक बार है तो एक बार लिखा, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका प्रश्न का ये हल हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं इसका, थर्ड नंबर में है 3/2x+1 के होल क्यूब।
इसमें भी सूत्र लिख लेते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक ना। तो हमको जहाँ x दिखाई देगा वहाँ पर ये पूरा पद ये x है और ये पूरा ये y है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर ये पूरा है, तो लिखने जो नहीं बस मान रख देते हैं इस पर, तो मान रखते हैं देखिए, तो x का मान ये रखेंगे तीन बटे दो एक्स के होल क्यूब प्लस y का मान एक है तो एक रख लिया, थ्री एक्स का मान तीन बटे दो एक्स गुणे वाई का मान एक, और यक्स का मान ये रहा तीन बटे दो एक्स प्लस वन, ठीक ना। तो अब इसको हल करेंगे, तो तीन को तीन बार करेंगे, तो जैसे यहाँ पर तीन का तीन किया था सत्ताईस आया, तो यहाँ सत्ताईस लिख देंगे, और दो को तीन बार करेंगे तो आठ प्राप्त हो जाएगा, यक्स के घात तीन प्लस वन, है ना। वन को तीन बार करिए, चार बार करिए, वन ही प्राप्त होता है। ये हो गया तीन त्रिकाई नौ एक्स बटे दो, और तीन बटे दो एक्स प्लस वन। अब इसका अंदर कोष्ठक में गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया सत्ताईस बटे आठ एक्स क्यूब प्लस वन प्लस, इसका बड़ा इसमें कर लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं पहले नौ एक्स बटे दो गुणे थ्री एक्स बटे दो, ये लिख लिया, फिर इसका बड़ा इसमें कर रहे हैं और इसका बड़ा इसमें करेंगे, तो ये जाएगा नौ बटे दो एक्स गुणे एक, तो ये आ जाएगा सत्ताईस बटे आठ एक्स क्यू प्लस वन प्लस, अब देखिए कुछ कटना नहीं है तो नौ त्रिक सत्ताईस बटे चार यक्स यक्स एक्स स्क्वायर प्लस नौ बटे दो एक्स, ठीक ना। तो पहले तीन घात, फिर दो घात, फिर एक घात, फिर ये शून्य घात, इस तरह क्रम में लिख लेते हैं। तो ये हो गया सत्ताईस बटे आठ यक्स का यक्स का घात क्यू प्लस, इसको लिखेंगे सत्ताईस बटे चार यक्स स्क्वायर प्लस नौ बटे दो एक्स प्लस वन, ठीक ना। इन दोनों को यहाँ लिख लिया, इस वन को इधर लिख लिया, तो ये तीसरा भाग हो गया। एक भाग और बचा है अंतिम भाग, उसको भी देख लेते हैं। अब चौथा भाग है इसका, चौथा भाग देखते हैं। इसमें लिखा यक्स माइनस दो बटे तीन वाई के घात तीन, ठीक ना। तो इसका सूत्र लिख लेते हैं, यह है यक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ये सूत्र होता है। इसमें देखिए ये पूरा यक्स है, ये यक्स है और ये पूरा ये वाई है, ठीक ना। तो यहाँ रख लेते हैं, यक्स का मान यक्स ही है, इसमें यक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या है दो बटे तीन वाई के घात तीन माइनस थ्री एक्स का मान एक्स और वाई का मान दो बटे तीन वाई, और ब्रैकेट में ये चीज लिखाएगा यक्स माइनस दो बटे तीन वाई, तो यक्स के क्यूब है तो यक्स का घात तीन क्यूब हो गया, दो का क्यूब कितना आठ और तीन का क्यूब सत्ताईस वाई क्यूब माइनस ये तीन तीन कट गया तो बचा टू एक्स वाई, यक्स माइनस दो बटे तीन वाई। अब इस ब्रैकेट खोलेंगे, इसका बड़ा इसमें और इसका बड़ा इसमें कर लेंगे, तो लिखते हैं यक्स क्यूब माइनस आठ बटे सत्ताईस वाई क्यूब माइनस, इसका बड़ा जब इसमें करेंगे तो एक यक्स ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस, देखिए दो माइनस मिलके प्लस, और इसका बड़ा इसमें करेंगे तो जाएगा दो दूनी चार बटे तीन एक्स और वाई और वाई वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर छः के सभी भाग हो गए, अब प्रश्न नंबर सात देखेंगे। तो प्रश्न नंबर सात का पहला लिखा है निन्यानवे के घात तीन, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं
100 माइनस 1 के घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, तो इसमें लगेगा x माइनस वाई के घात 3 का। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई और x माइनस वाई, ये सूत्र होता है। इस पर हम मान रख देंगे, तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें x बराबर यहाँ 100 है, देखिए x बराबर 100 और y बराबर 1 रखने पर, ठीक ना, तो जहाँ x दिखा देगा वहाँ 100 रखेंगे, वहाँ y तो वहाँ 1 मान रख देंगे। तो इसको हल करते हैं, देखिए x है तो x के घात 100, तो लिखेंगे x कितना है 100, तो लिखेंगे 100 के घात 3 माइनस y के घात 1 है तो 1 लिख लिया, माइनस 3 x का मान कितना है 100 और y का मान 1 और कोष्टक में 100 माइनस 1। तो देखिए 2 शून्य का अगर 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा इसको 1, 2 और 3, ठीक ना, ऐसे लिखा जाता है, घात 3 है तो 2 को 2 जीरो को 3 बार लिखेंगे, तो 2 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा लिख लिया। तो इसको हल करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, माइनस 1 का घात 3 मतलब 1 और 300 हो जाएगा ये, और ये 100 माइनस 1 लिखा हुआ है, 100 माइनस 1 मतलब इसको हम 99 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 99। 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1 माइनस, इसका गुणा कर लेते हैं, 9, 3, 27, 9, 3, 27, 28, 29। तो इसको क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस, देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस 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 अंक जुड़ जाता है, 29701। अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 10792, इसको घटाते हैं इसे, ठीक ना, तो यहाँ पर होगा देखिए 10, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 9 हो जाता है, ठीक ना, तो 10 में 1 गया ये 9 हो गया, 9 में 0 गया 9 हो गया, 9 में 7 गया 2 हो गया, 9 में 9 गया 0 हो गया, 9 में 2 गया 7 हो गया, 9 में कुछ नहीं गया तो 9 हो गया, ठीक ना, तो इस प्रकार ये 970299 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो दूसरा भाग देखते हैं, दूसरे भाग में क्या लिखा है, 102 के घात 3, तो लिखेंगे 102 के घात 3, तो इसको हम ले सकते हैं 100 प्लस 2 के घात 3, तो इसमें अब प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये लगेगा x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई और ये x प्लस वाई। तो इसमें x का मान देखिए कितना है, x का मान 100 है और y का मान 2 है, ठीक ना, तो x बराबर 100 और y बराबर 2 रखने पर, तो रख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या आ जाएगा, x का मान 100 है तो 100 के घात 3 प्लस 2 है तो 2 के घात 3 प्लस 3 गुणे x का मान 100 गुणे ये y का मान 2 और यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 2। तो 100 को 100 का ऐसे यहाँ पे किया था हमने, तो यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये 3 दूनी 6, 600 गुणे 102 आ गया, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 8 प्लस, इसका गुणा कर लेते हैं तो जगह 2 जीरो ये आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 8 और ये 0, 0, 2, 1, 6
तो जुड़ेगा, देखिए 8 आ गया, 2 हो गया, 0 2 1 6 0 1, तो ये आ जाएगा। देखिए इसका मान आ गया 106 1208, तो इसका भी हल हो गया। देखिए इसका आप तीसरा भाग देख लेते हैं। देखिए तीसरा भाग लिखा है 998 के घात 3, ठीक ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, है ना, 1000 में 2 घटाएंगे तो 999 प्राप्त हो जाएगा, और इसमें माइनस वाला सर्वसमिका लगाएंगे, यही वाला माइनस लगेगा, तो यहाँ भी लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, तो यहाँ रख लेते हैं इसी में, तो इसमें x बराबर 1000 और y बराबर यहाँ 2 रखना है हमको, तो लिखते हैं x का मान 1000 के घात 3 माइनस y के घात 3 माइनस 3x का मान 1000 और y का मान 2 और ब्रैकेट में 1000 माइनस ये 2 आ गया। तो 1000 को 3 बार लिखना है, ठीक ना, मतलब इन 3 जीरों को, ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो को 3 बार लिखिए तो ये आंसर हो जाएगा। लिखेंगे एक बार ये लिखा, फिर एक बार और लिखा, फिर एक बार और लिखा, ठीक ना, घात 3 है तो 3 बार लिखा हमने, माइनस 2 को 3 बार, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, अब 3 दूनी 6 तो हो गया 6000 गुणे घटाएंगे तो 998 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 बार लिख लेते हैं इसको 1 2 3 और इसका गुणा कर लेते हैं तो 8 6 48 हासिल 4 और 9 6 54 54 में 4 तो 58 फिर 9 6 54 54 में फिर 5 जोड़िए तो ये 59 आ गया। अब क्या करेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा तो ये जोड़ देंगे तो जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं तो हम घटा लेते हैं यहाँ पर लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 9 और यहाँ लिखेंगे 8 0 0 8 8 9 5 ये देखिए कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 और ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है, ठीक ना, 10 में 8 गया 2, 9 9 में 0 गया 9, 9 में 8 गया 1, 1 0 4 9 9 तो देखिए ये उत्तर आ जाएगा इसका, तो ये इसका उत्तर यही उत्तर ही आ जाएगा, ठीक ना, तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पहला भाग है इसका, प्रश्न नंबर 8 का पहला भाग। तो पहले भाग में लिखा है देखिए 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab² ठीक ना, तो इसमें देखिए फॉर्मूला लगेगा, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए सभी प्लस प्लस हैं तो इसमें हमको लगेगा देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस देखिए 3xy और ये होता है एक्स प्लस वाई, ठीक ना, ये सर्वसमिका प्रश्न नंबर 7 में हमने प्रयोग किया है। अब इसका देखिए इसको ना ओपन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, देखिए इसका बड़ा इसमें हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3xy², ठीक ना, तो देखिए इसमें कहीं इस तरह है तो हम इसको यही प्रयोग करेंगे,
तो x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग ये प्रयोग में करेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हमको x क्यूब बनाना है, फिर y क्यूब बनाना है, इससे हमको x ए x और y प्राप्त हो जाएगा, पता चलेगा क्या करना है इसमें। तो देखिए, x का क्यूब मतलब इसको हम बना सकते हैं 2a के क्यूब, ठीक ना। जब इसको हल करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर y क्यूब मतलब इसको b का क्यूब करना है, ठीक ना। तो हमको देखिए यहाँ x और ये y प्राप्त हो गया। अब हमको यहाँ लिखना है 3 और x स्क्वायर, तो ये रहा x, इसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर। फिर y कितना है, b है, तो b लिख सकते हैं, और 3x कितना है, 2a है, 2a, और b कितना है, b है, तो b ही है y का मान, तो b स्क्वायर लिख लिया, ठीक ना। जब हमने इसको ऐसे लिखा, इसके स्थान पर अब हम ये लिख सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए, ये पूरा हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस वाई के घात 3, है ना, होल क्यूब लिखा है, तो हम लिखते हैं 2a प्लस बी होल क्यूब, ठीक ना। अब इसको अगर हम चाहें तो तीन बार लिख सकते हैं, गुणनखंड करना है तो तीन बार लिख लेते हैं इसको, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, ठीक ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में लिखा है, एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या माइनस वाला सूत्र लग रहा है, तो माइनस वाला सूत्र लिख लेते हैं। तो देखिए, हमने अभी पहले वाले प्रश्न में माइनस वाला सूत्र लगाया था। देखिए, यक्स माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला होता है यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, ये होता है। इसको देखिए, हम उसको ओपन कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ दो माइनस है तो प्लस जाएगा 3xy वाई वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, ये इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा विस्तार से लिख दिया, तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। ये अलग फॉर्मूला नहीं है, ये इसी का फॉर्मूला है ना, विस्तारित रूप है ये। तो अब हम इस पर लगाएंगे तो हमको इजी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लगाते हैं इसमें, ठीक ना। अब आगे हम लोग यही फॉर्मूला लिख दिया करेंगे। तो एक्स क्यूब, इसको भी हम लिख सकते हैं 2a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए, x और y प्राप्त हो गया हमको, तो x क्या है, 2a का होल स्क्वायर, और y कितना है, b प्लस 3x कितना है, 2a, और b कितना है, b के पावर 2 लिख लिया। तो जब हमने इसको इस रूप में पूरा लिख लिया, तो इसके स्थान पर अब हम ये लिख सकते हैं। तो ये लिखा है x माइनस वाई का पावर होल क्यूब, होल क्यूब लिखा है, तो लिखे हैं 2a माइनस बी का पावर 3। तो इसको हम अब तीन बार लिख लेते हैं, ये आंसर हो गया हमारा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। तो इस प्रकार दूसरे भाग का भी आंसर हो गया। इसी प्रकार आप तीसरा भाग देख लेते हैं। तो तीसरा भाग देखिए क्या है, इसमें लिखा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए, माइनस वाला है, यही वाला सूत्र लगाएंगे हम। तो इसके लिए हम सूत्र लिख भी देते हैं यहीं पर। तो सूत्र लिखते हैं, यक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक ना। जैसे इसको किया, उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए, 27 का क्यूब बनाना है हमको। तो 27 का क्यूब क्या होता है, 1 एक पावर 3, है ना, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, और 125 को करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 है, 5 पचे 25, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 बराबर
125 आता है, तो इसको 5 किसको लिख सकते हैं, 5 की घात 3, तो इसलिए हमने लिखा 5 और वह 1 है तो 1 की पावर 3 लिख लिया। माइनस देखिए अब हमको x और y तो प्राप्त हो ही गया, अब यहाँ पर हम इसमें मान रख देंगे बस x और y का मान, तो लिखेंगे 3x² कितना है, ये रहा 3, तो 3 का स्क्वायर है ना, ये x होता है ये y होता है ठीक ना, तो ये x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और y कितना है 5a प्लस 3x कितना है 3 और y कितना है 5a का होल स्क्वायर ठीक ना, 5a का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब देखिए हमने जब इस रूप में इसको लिख दिया, इसको पूरा इस रूप में लिख दिया, तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई पावर क्यूब, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3 माइनस 5a का होल क्यूब, या इसको 3 बार लिख सकते हैं, तो 5a माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, ऐसे लिख सकते हैं ठीक ना, सभी को एक जैसे ही कर रहे हैं बस। तो ये प्रश्न नंबर 4th भाग भी देख लेते हैं यहीं पर, तो ये 4th भाग, चौथा भाग में है 64a³ - 27b³ - 144a²b + 108ab² ठीक ना, तो इसमें लिखेंगे, देखिए माइनस वाला सूत्र लगाना है, तो माइनस वाला सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3x² y + 3xy² ठीक ना, वही वही सूत्र लग रहा है, और सूत्र रखना और उसी तरह मान भी रखना है इसमें। तो अब देखिए हमको इसको 64 का क्यूब करना है ठीक ना, तो हम ले सकते हैं 4 की घात 3, तो 64 आ जाता है ना, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो 4 की घात 3 हमने 64 को बना लिया। फिर इस 27 का भी मालूम होगा, 3b³ लगा सकते हैं है ना, 3 × 9 = 27 माइनस 3x कितना है 4a है, 4a² गुड़े y कितना है 3b प्लस 3 × x कितना है 4a और y कितना है 3b, तो 3b² लगा लेते हैं ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमने पूरा फॉर्मूले बैठा लिया, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई कितना है, तो 4a - 3b³, या 3 बार लिख सकते हैं, 4a - 3b, 4a - 3b और 4a - 3b, इस प्रकार इसका ये गुणनखंड हो गया। अब ये अंतिम भाग बचा है उसको देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 8 का 5वां भाग है 27p³ - 1/216 - 9/2p² + 1/4p ठीक ना, तो इसको माइनस वाला सूत्र है, तो माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस वाला सूत्र होता है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3x² y + 3xy² ठीक ना, ये सूत्र होता है। तो x क्यूब कितना है, देखिए इसको हम x क्यूब बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे 3p³ है ना, 3 का 27 हो जाता है, ये 216 लिखा है, तो इसको 6 को लिख सकते हैं ठीक ना, 6 को 3 बार करिएगा तो 216 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 6 का घन होता है ये 216 ठीक ना, ये 216 घन होता है इसका ठीक ना, तो 1 से लेकर 10 तक का घन अगर आपको याद है तो थोड़ा ये जल्दी हो जाएगा, और अगर इस तरह नहीं आता तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। 216 देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 3 × 9 = 3 मतलब 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 3, 1 = 3।
तो देखिए तीन दूनी छः और ये तीन दूनी छः और ये तीन दूनी छः, मतलब छः का घात तीन बन गया, छः का घन था ये। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है थ्री पी का होल स्क्वायर, गुणे वाई कितना है एक बटे छः, प्लस थ्री एक्स कितना है थ्री पी गुणे वाई स्क्वायर, मतलब एक बटे छः का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको देखिए इस फॉर्मूले पर रख लिया हमने, देखिए अगर इसको हम हल करें तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसे तीन एक कम तीन दूनी छः कट जाएगा, तीन दिखाई नौ, नौ बटे दो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, मतलब इसको अगर हल करेंगे तो ये वापस से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमें फॉर्मूले में लिख लिया, तो इसके स्थान पर अब हम ये लिख देंगे x माइनस वाई का होल क्यूब, तो लिखेंगे 3p माइनस एक बटे छः का होल क्यूब। इसका मतलब इसको हम तीन बार लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 3p माइनस एक बटे छः, 3p माइनस एक बटे छः, 3p माइनस एक बटे छः। इस प्रकार प्रश्न नंबर आठ के सभी भाग हो गए।